इस दुनिया के कुछ दस्तूर है, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीजें होंगी, लेकिन हम आपसे कहते हैं आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं, आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ सारे अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। जिस दिन पैसे वाले हो जाइएगा उस दिन और आगे बढ़िएगा, समझा गया? जिस दिन आपके अंदर विनम्रता आ जाती है भगवान आप पे विशेष नजर देता है, समझा कि नहीं? तो उस विशेष नजर से रखिए, किसी पर अत्याचार नहीं कीजिए। अगर आप बहुत ज्ञानी है तो जो पढ़ने में कमजोर है उसके आगे बहुत अपने आप को बलशाली मत बनिए। शक्तिशाली है तो कमजोर को दबाइए नहीं, अमीर है तो गरीब को नहीं दबाइए, सुंदर है तो जो बदसूरत है उसके आगे अपने आप को वैल्यू मत दीजिए। ये सब चीजें अगर गलती करेंगे तो भगवान के हाथ में दिया है, कब छीन लेगा कोई ठीक नहीं। रिलायंस के मालिक थे अनिल अंबानी, सड़क पे आ गए हैं। मुकेश अंबानी उनके भाई हैं, वो जियो के मालिक है, रिलायंस उनका नहीं था, रिलायंस टेलीकॉम अनिल अंबानी का था। तो ये आपको जिस दिन अपने आप पे घमंड हो जाना, एक बार कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट घूम के आइएगा, आपसे नायाब नायाब लोग वहाँ खाक बन के मिलते हैं, और उनके तुर्बत पर कोई दिया जलाने वाला नहीं हुआ है, जिनकी कभी करोड़ों की संपत्ति थी। इस दुनिया का वसूल है जो कमाएगा वो उसका उपभोग नहीं कर। रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वो आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, अब कुछ कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान है यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाता है, एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। वो जियो के डाटा से सस्ता फीस है, हम लोग की फीस कितनी रहती है 200 रुपये में हम लोग पढ़ाते थे तो 4 महीने 50 रुपये भी नहीं पड़ा महीना। और हम लोग के वक्त में ऐसा नहीं था, अगर हम लोग के वक्त में टीचर ही बता सकते हैं, ना गूगल था ना कुछ था, तो हर चीज़ ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बताते ना हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी है वैसे, वो सबके साथ परिस्थिति खराब रहती है। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो बाज होता है ना उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है, और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा एक घंटा, और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबाते हैं यहाँ पर। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो बाज होता है ना उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है, और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा एक घंटा, जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है, चढ़ने में
तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी और बुलंदी पर चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर किए लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। शिक्षा उस सेवनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है, और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी, क्या समझ में आ गया। ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तब ही कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा जो पढ़ने में बकलोल हो, समझदार को नहीं, समझदार बहुत घमंडी होते हैं, उन सब से दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब। दुनिया का कुछ भी दिखाइए उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई कर, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है, चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर। अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारी जीव रहती है और मरने तक हमारे साथ जीव रहती है, क्योंकि वो बहुत ही नरम रहती है, उसे गुस्सा वो बहुत हार्ड नहीं होती है। लेकिन जन्म लेने के बाद दांत आता है और दांत काफ़ी कड़ा होता है और मरने से पहले ही दांत चला जाता है। यानी अगर आप नरम रहे तो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, और जहाँ हार्ड होंगे आप वहीं आपका पतन चालू हो जाएगा। इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी जीवन लग जाती है। शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, ये आपके माँ बाप के दिए गए परवरिश का एक सबूत होता है। अतः आप अगर किसी से अपशब्द बात करते हैं तो सभ्य व्यक्ति आपको नहीं कोसेगा बल्कि आपके माँ बाप को कहेगा कि इसे संस्कार नहीं सीखा। घुटन क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पे। वो बच्चा कैसे खेलता होगा जो दिन भर मेले में खिलौना बेचता है। फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम देर से जीना शुरू करते हैं, सबके सामने कुछ ना कुछ समस्या आती। तो अगर आप खुद को फ्रस्ट्रेट होकर देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी ने तो हमें बहुत कुछ